बहुत दिनों के बाद में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया बनाए हुए, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत सारा काम था और मेरी ड्यूटी, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी रहती है, तो इधर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और वेदर इतना ज़्यादा हॉट था, इतनी गर्म, अभी मौसम अच्छा है, कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और अभी बादल हैं चारों तरफ में, तो वीडियो नहीं बन पा रही थी, कंटेंट की कमी थी थोड़ी सी, तो इसके लिए नहीं बना पाया। हाय दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइटनिंग सर्फर। आपको थंबनेल देख करके पता चली गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ का है। तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जो कि विंग्स का ईयर पॉड है, पावर पॉड्स बोलते हैं। ये मेरे पास ये है, ये देखिए, ये मैंने अभी मंगाया है। असल में ये मैंने क्यों मंगाया, किस लिए मंगाया, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों ये ईयरबड्स का पावर पॉड्स, इसको गेमिंग ईयरबड्स भी बोलते हैं। ये एक डिसेंट लुक में और एक डिसेंट ईयरबड्स है, ये गेमिंग ईयरबड्स है। ये मेरे पास में पहले भी था, मैंने ये 2018 में खरीदा था और वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया, तो इसके लिए मैंने इसको दोबारा खरीदा है। इसके लिए क्यों दोबारा खरीदा है, इसको इसके लिए खरीदा और क्या वजह थी, मैं आपको ये आगे बताने वाला हूँ। आपने इससे पहले भी एक मेरे ईयरबड का वो वीडियो देखा होगा जो कि JBL का था, C115W, तो वो भी अच्छा ईयरबड है, मगर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको मुझे लेने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या कीड़ा काट रहा था कि मुझे इसको लेना पड़ा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके की एक पैकेजिंग में आई, ऑलरेडी मैंने खोल लिया था इसको चेक करने के लिए, ताकि अगर कुछ उसमें गड़बड़ हो तो मैं इसको रिटर्न कर सकूं। तो और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो संडे ही मुझे एक टाइम मिलता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूं, पहले मैं चेक कर लूँ इसको। तो ये इस तरीके से खुल जाता है, स्लाइड हो जाता है। इसमें कुछ आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि 150 घंटे का इसका प्लेबैक टाइम है और 2500 mAh की इसमें बैटरी है, और ये एक गेमिंग कंसोल की तरह काम करता है। माइक्रोफोन है इसमें, SD कॉलिंग है और गेमिंग के लिए तो है ही ये। बाकी इसमें पीछे की इसकी सारी डिटेल दी हुई है, इसका मैन्युफैक्चरर का नाम, ये बेसिकली इंडियन कंपनी है और मैं इंडियन कंपनी ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, करनी भी चाहिए अपने इंडियन, अपने इंडिया की है उसके लिए। बाकी इसके टेक्निकल कुछ हैं, कुछ इसके वो दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, कहाँ पर से कस्टमर केयर है और इसका क्या एड्रेस है, वो सब दिया हुआ है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, बाकी आगे इस बॉक्स में क्या है उसकी बात करते हैं। तो ये बॉक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको अनबॉक्सिंग इसकी ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन ये आप लोगों के सामने है। इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जस्ट अनबॉक्सिंग किया और एक बार चेक किया है कि ये सही है कि नहीं है, तो उसके लिए है। देखो जैसे ही खोलते हैं, इसमें आप देखें ये एक सॉफ्ट क्लॉथ आता है, ये बेसिकली होम का है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। साथ में एक ये स्टिकर इन्होंने दिया हुआ है, ये क्या यूज़ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें दिया हुआ है सर्टिफाइड हार्ड कोर गेमर, नो लेग्स नो फ्रैग्स और विंग्स ट्राइब। बाकी इनका प्रमोशन के लिए ये, और मुझे नहीं लगता कि और किसी काम के लिए है ये। इसको भी साइड में रखते हैं। ये इस तरीके से इसकी केसिंग है, अब जब इसको खोलेंगे तो देखिए ये आता है, ये एक पैकिंग में दिया हुआ है, ये खोलने के साथ ही ये निकल गया। तो इसको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ जैसे सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं ताकि आप लोग वीडियो लास्ट तक देख सकें। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो थोड़ा मुझे और हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, बेनिफिट मिलता है। ये एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है इसके अंदर में, इसमें इसका जो ईयरबड्स है उसके लिए वो दिया हुआ है, आप अपने कान के अनुसार जो भी आपका साइज है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक चार्जिंग केबल आ रही है जो कि माइक्रो USB है, माइक्रो USB से चार्ज होता है, एक साइड में USB है और चार्जिंग से होती है, तो आप कहीं भी लगा करके, चाहे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, नहीं तो चार्जर में कहीं भी लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको USB का पोर्ट मिल जाए। ठीक है, इसको भी साइड में रख देते हैं। बाकी इसकी ये कवरिंग है चारों तरफ से कवर करने के लिए, ये भी फोम का बना हुआ है। ठीक है, ये बुकलेट है जो कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, वो सब बताया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें इसके फंक्शन दिए हुए हैं, कहाँ पर क्या है,
टच सेंसर है, एलईडी इंडिकेटर है, माइक्रोफोन है, बैटरी डिस्प्ले, चार्जिंग पिन्स और इनपुट। बाकी किस तरीके से इसको हमने कनेक्ट करना है यूट्यूब के सॉरी ब्लूटूथ के साथ में, ये आप पढ़ लीजिए, इसको पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और किस तरीके से उन फंक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसको रख देता हूँ मैं साइड में और आगे मैं आपको दिखाता हूँ मेन यूनिट। इस तरीके से कवर में आती है और ये इस तरीके से इसकी केसिंग है। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा पियानो फिनिश लगता है, ग्लास है ये बेसिकली, ये मैट फिनिश में है और विंग्स की इसमें बैजिंग हुई है। ये देखने में बहुत सुंदर है, स्लीक है, बहुत अच्छा सा ये, अगर आपका पॉकेट है टॉप पॉकेट उसमें भी आप इसको इजीली डाल सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग ओपन करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कट दिया हुआ है और नीचे में एक क्लिप दिया हुआ है, तो इस क्लिप को हम लोग उठाएंगे तो इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा। तो ये माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया है जिससे कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं इस यूनिट को। और इसके अंदर बैटरी है, ये पूरी बैटरी है इसके अंदर में। और ये जो है ये एक यूएसबी पोर्ट दिया है जिसमें कि हम लोग इससे हम छोटे मोटे अपने मोबाइल्स हैं या कोई और छोटा गैजेट है उसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर जो बैटरी है वो 2500 mAh की है, तो 2500 mAh के अंदर अंदर आपको जितनी भी आपके गैजेट्स होंगे या छोटे मोबाइल होंगे, जैसे हम लोग L&T में हैं और यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एरिया है तो यहाँ पर हम लोगों को बड़े मोबाइल या कैमरे वाले मोबाइल यूज करने की मनाही है और जो छोटे मोबाइल है उसके लिए हमारा गेट पास बनता है। तो ऐसे जो छोटे मोबाइल हैं जिसमें 2000, 2500 mAh की बैटरी है वो चार्ज करना बहुत ज़्यादा आसान है, उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से यूज हो जाती हैं, आप इसको इस यूज कर सकते हैं। अब इस मेन यूनिट को हम लोग खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुल करके सामने आएगा। अभी जैसे ये खुला है, अगर ये चार्ज नहीं होगा तो आप ये आपके ईयरबड्स हैं इसके अंदर, ये अगर चार्ज नहीं होते तो यहाँ पर एक LED लाइट आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आएगी। अभी यहाँ इंडिकेटर नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर इंडिकेटर आ जाता है कि ये कितना है। डिजिटल इंडिकेटर है 100%, उसके बाद जितना भी माइनस होता जाएगा वो सब आता है। तो इसको जैसे ही हम लोग खोलेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी आपके डिवाइसेज हैं, जो ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं, जिस तरीके से वो कनेक्ट होती हैं आपके मोबाइल के साथ में, उस तरीके से कनेक्ट होंगी। सेम प्रोसेस है ब्लूटूथ इसकी, ये ऑलरेडी जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये ब्लूटूथ इनेबल्ड हो जाता है और ये सर्च करने लगता है किसी ब्लूटूथ डिवाइस को और आप अपने मोबाइल में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर विंग्स लिख करके आ जाएगा और आपको उसको पेयर करना है, पेयर करके कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट है, ये मोबाइल से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया है। ये आप अगर देख रहे हो उसमें, तो इसमें लाइट ब्लिंक कर रही होगी, एक रिंग ब्लिंक कर रहा होगा। इसका ये फीचर बहुत अच्छा है, ये ऐसे रिंग ब्लिंक करता रहेगा। मैं थोड़ा सा अंधेरा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से हार्ट बीट की तरह ब्लिंक करता रहता है। और जैसे ही आप ये कनेक्ट हो जाएगा, आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो उस टाइम पर ये बिल्कुल ऐसे ब्लिंक करेगा जैसे कि ब्रीद कर रहे हो। टच करने से इसको दो बार टच करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाता है, दो बार इसको टच करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा, राइट को टच करेंगे तो फॉरवर्ड, लेफ्ट को टच करेंगे तो बैकवर्ड। तो आप अपने गाने को स्विच कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। इसको तीन बार प्रेस करने से ये जा करके सीधा गेमिंग मोड में चला जाता है। एक बार टच करके होल्ड करने से इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, राइट से अप कर सकते हैं, लेफ्ट से डाउन कर सकते हैं। बाकी इसका डिसेंट क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस है, ये अच्छा है। JBL का मैंने लिया है, JBL के ऑलमोस्ट बराबर ही है ये। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत स्लीक है। अगर आप देखें तो इसको अगर मैं कान में लगाऊं तो ये एकदम से कान में फिट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा होल्ड कीजिए, ये कान में मैं इसको लगा रहा हूं, कहाँ का राइट है लगता है, ये राइट है। तो दुकान में देखिए, कान में मैंने लगाया, ये कान में एकदम प्रॉपर फिट हो जाता है, ऐसे पता नहीं चलता है कि ये इसके साथ में फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, मालूम नहीं चलेगा। लेकिन JBL का क्या थोड़ा बड़ा है, वो ज्यादा ऊंचा तक आता है। बाकी साउंड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो ये मैंने एक परचेज किया है, आप लोगों को कैसा लगता है आप बताइए। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि एक तो ये कम दाम में मिला मुझे,
ये लास्ट टाइम जब मैंने खरीदा था इसको तो ये मुझे 3,500 में मिला था और अभी ये डिस्काउंटेड प्राइसेस में आ रहा है। बीच में ये बिल्कुल बंद हो गया था, मेरा जो पुराना वाला था वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया, खो गया, मुझे पता नहीं चला कहाँ गया। मैंने उसको 3 साल बहुत अच्छे से चलाया, ये लगभग साल भर पहले की बात है, तब मेरा वो गिर गया और बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर वो कहाँ गिरा मालूम नहीं। ये देखिए इसमें इंडिकेटर भी आ रहा है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये चार्जिंग कर रहा है इस समय, इसके लिए आ रहा है, ये देखिए। तो ये बैटरी इंडिकेशन है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, जो कि इसके केस की बैटरी है और वो कंटिन्यू चार्ज करता है, 5.5 से 6 घंटे का बैकअप देता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये लेना चाहिए। तो वो मेरा गिर गया था, मैं इसके बाद इसको मैंने बहुत कोशिश की कि ये मुझे मिले, लेकिन वो क्या आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कंपनी ने बंद कर दिया या क्या मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। फिर इसके अचानक से मुझे ये नजर आया एक दिन, तो मैंने आंख बंद करके सीधा इसको ऑर्डर कर दिया कि बस मुझे ये चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी बोट का भी है, बोट का सस्ता वाला है कोई 850 रुपये का, इसके बाद मेरे पास 3,500-4,000 का विंग्स का, उसका सॉरी JBL का है, फिर मैंने विंग्स का मुझे लिया, तो मुझे 2,000 में मिल रहा था, मैंने तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और उसका वो जो एक स्वैग है ना, वो जो लाइट धीरे धीरे ब्लिंक होती है, बहुत अच्छा लगता है और कान में इतना अच्छा फिट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ इसको पहना हुआ है, वेयर किया हुआ है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं इसको पहले से यूज कर चुका हूँ और इसको मैंने एक बार सुना था जब मैंने लिया इसको, तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, बढ़िया भी है। बाकी अगर आप कुछ लेना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुछ और ट्राई कर रहे हैं कोई 1500-2000 के अंदर, तो इसको ट्राई कीजिए, आप सचमुच में बहुत आपको अच्छा लगेगा। और ये गेमिंग मोड जब इसका ऑन करते हैं तो जो जो लैग आता है ना कुछ सेकंड्स का, 10 सेकंड कहीं पर 5 सेकंड किसी में 6 सेकंड ऐसे से आता है, वो लैग बिल्कुल जीरो हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि थोड़ा लेट हो रहा है। क्योंकि गेम जब आप खेल रहे हैं, खासकर ऐसे गेम जो कि फाइटर्स गेम है और बहुत जल्दी आपको मूव करना है, इधर जाना, उसके लिए बहुत अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको लेने के लिए। बाकी एक बार मैं और आपको बोलता हूँ कि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल वीडियो है, क्योंकि मेरा इस पर दिल आ गया और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो बनने में और मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, उसकी वजह यही है जैसे मैंने आपको बताया कि काम बहुत ज़्यादा रहता है और हमारा ड्यूटी आवर्स ऐसा है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का टाइम है, तो उस बीच में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके बाहर जा करके वीडियो बनाऊँ, कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ। जो बेसिकली मैंने अपना चैनल रखा था ये, कि जिसमें कि मैं कंटिन्यू एक अच्छा वीडियो देता रहूँगा, ट्रैवल ब्लॉगिंग रहेगा, कैंपिंग अगर कर सकेंगे तो कैंपिंग रहेगा, कुकिंग रहेगा, ये जो मिक्स रहता है उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं कुछ कर पाऊँगा तो जरूर डालूंगा। और ये जो है बीच बीच में गैजेट्स में लेकर के आ रहा हूँ और मैंने एक दो चीज़ें और बनाई हैं, तो उसके भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ जो कि मेरी गाड़ी के साथ रिलेटेड रहेंगी, ट्रैवल के साथ रिलेटेड रहेंगी। तो आप लोग प्लीज़ को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, इसकी मेरी कामना है और मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।